लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राजकुमारी दमयंती मृत्यु पर्यंत शिवाराधना का प्रण कर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई। दमयंती की भक्ति व भावनाएं एक आदर्श नारी के विचारों का प्रतीक थी तथा शिव को प्रसन्न कर फल प्राप्त करना ऐसे ही विचारों का दर्पण था। दूसरी ओर ऐसे ही विचारधारा का प्रतीक असुर वृत्रासुर अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति की इच्छा हेतु तन मन से उनकी तपस्या में लीन था। अब एक नया असुर तपस्या कर वरदान प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। सदा की भांति वरदान प्राप्त कर उपद्रव करेगा, जन जन को पीड़ित करेगा और स्वर्ग पर आक्रमण भी करेगा। अब तो इंद्रदेव को सावधान हो जाना चाहिए। मित्र, तुम जानते हो ये कौन है? कैसे जानूंगा, मुझे तुम्हारी भांति ब्रह्मदेव की कृपा प्राप्त नहीं है। तुम ही बताओ ये नया असुर कौन है? यह ऋषि त्वष्टा का यज्ञ पुत्र वृत्रासुर है। यह अपने यज्ञ पिता की कामना अवश्य पूर्ण करेगा। तब तो इंद्रदेव को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मित्र, यदि अवसर सामान्य होता तो वृत्रासुर की तपस्या के विषय में मैं देवराज को अवश्य बता ही देता, परंतु अब मैं अपना पूर्व रूप पाकर मैं सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। मित्र पर्वत, तुम तो देवगुरु बृहस्पति से मिलने स्वर्गलोक जा ही रहे हो। वृत्रासुर के विषय में देवराज को सावधान कर देना। मैं चला कैलाश पर। नारायण नारायण जय ब्रह्मदेव। बताओ देवी, कुछ ही क्षणों में कैलाश पर पहुंचने वाला पहला प्राणी कौन होगा? आप मुझे सूचित करने की अपेक्षा मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं स्वामी? नमः शिवाय। नारद, मैं तुमसे ये कदापि नहीं पूछूंगी कि तुम इतने समय तक कहाँ रहे। मैं तो केवल इतना ही जानना चाहती हूँ कि प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार तुमको तो अवश्य ही धर्म पत्नी प्राप्त हुई होगी, तो तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? इतने दिन अनुपस्थित रहकर तुमने तो अपना स्वभाव ही बदल डाला नारद। तुम्हारी वो चंचल हंसी, विनोद शैली, वाक पटुता सब कहाँ गए? मुझे ये ज्ञात नहीं था भोलेनाथ कि आपके वरदान की ओट में मेरे लिए अभिशाप भी छिपा हुआ था। क्या मेरे साथ वो विचित्र खेल खेलने में आपका कोई विशेष प्रयोजन था देवेश्वर? वो खेल नहीं था नारद, विधाता का विधान था जो तुम्हारी इच्छा से उद्भव और प्रकट हुआ था। यदि महर्षि दधीचि को उनकी पत्नी सुवर्चा के साथ तपस्या करते देखकर तुम्हारे मन में पत्नी को पाने की इच्छा न जागती तो न तुम वानर मुखी बनते और न ही धर्म पत्नी को पाने की इच्छा से कोरे ही रह जाते। स्वामी, नारद वानर मुखी बने और इनका विवाह भी हुआ, ये सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माता, मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, बाल ब्रह्मचारी, भला विवाह करने का अपकर्म मैं कैसे कर सकता हूँ? तो क्या धर्म पत्नी तुम्हें विवाह के बिना ही प्राप्त हो गई? माता, ये एक अत्यंत करुण कहानी है। भगवान भोलेनाथ जानते भी हैं कि वो अभागी राजकुमारी दमयंती मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे ही मोहजाल में फंस गई और मैं भी उसी चक्कर में आकर अपने परम मित्र पर्वत के श्राप से ग्रस्त होकर वानर मुखी बन गया।
जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ नारद, वो दूस्वप्न के समान एक कटु अनुभव था जिसे भूल जाना ही हितकर है। परंतु मैं उस एकनिष्ठ राजकुमारी दमयंती को कभी नहीं भूल सकता भोलेनाथ। मेरे ही कारण वो राज सुख से वंचित होकर एक साधारण सी कुटिया में आपकी आराधना कर रही है भोलेनाथ। उसे इस कष्ट से उबारे भोलेनाथ। आराधना कभी कष्टकारक नहीं होती नारद। भक्त होते हुए भी क्या तुम इस शाश्वत सत्य से अनभिज्ञ हो? उस महान नारी को उसकी आराधना का प्रतिफल हम अवश्य देंगे। देवी, एक नारी की व्यथा तुम ही समझ सकती हो, उसके उद्धार का उत्तरदायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं। हे मां शक्ति, इस समय स्वर्ग पर संकट की अशुभ छायाएं मंडरा रही हैं। जिस त्वष्टा ऋषि ने स्वर्ग में शक्ति पूजा की परंपरा आरंभ की, उसी की सिद्धि भयानक प्रतिशोध का रूप धारण करके स्वर्ग लोक और देवताओं को संकट में ढकेलने की तैयारी में है। प्रणाम गुरु बृहस्पति। गुरुदेव, अब तक तो आपने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख ही लिया होगा कि त्वष्टा ऋषि का यज्ञ पुत्र वित्रासुर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए पर्वत शिखर पर कठोर तपस्या कर रहा है। पर्वत, तुम इतने समय से कहां थे तुम? ये सब मैं आपको विस्तार पूर्वक फिर कभी बतलाऊंगा गुरुदेव, परंतु इस समय तो देवराज इंद्र को वृत्रासुर से सावधान करना अति आवश्यक है। मैं जानता हूं पर्वत, किंतु जिसका विवेक ही लुप्त हो गया हो उसे कौन और कैसे सावधान कर सकता है? त्वष्टा के विषय में दी गई मेरी बार बार की चेतावनियों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और त्रिशिरा का वध कर बैठे। अब शक्तिशाली वृत्रासुर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात त्वष्टा का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसीलिए तो मैं मां शक्ति की प्रार्थना कर रहा था। गुरुदेव, एक प्रयत्न और करें और देवराज को एक बार पुनः सावधान करें। संभव है इस बार वे सावधान होकर अपनी रक्षा का कोई समुचित उपाय करें। तुम इतना अनुरोध कर रहे हो तो ये भी करके देख लेता हूं। जय गुरुदेव। हे मां शक्ति, देवराज इंद्र को सद्बुद्धि दो। देवराज, 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 देवराज इंद्र, कुछ उपाय करें देवराज। त्वष्टा के यज्ञ से उत्पन्न वृत्रासुर बहुत तपस्या कर रहा है। वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान अवश्य प्राप्त कर लेगा। आप शीघ्र ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव को वरदान देने से रोके देवराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ स्वामी, आप तुरंत ब्रह्मलोक जाएं। देवराज, अनुरोध करने पर भी आप ब्रह्मदेव को वरदान देने से रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कठोर तपस्या करता है वो ब्रह्मदेव से वरदान अवश्य पाता है। प्रिय, तो आपने देख ही लिया है, इसीलिए वृत्रासुर के आक्रमण से स्वर्ग को बचाने के लिए अन्य कोई उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय, कृपा कर आप ही बताएं गुरुवर। इस समय स्वर्ग लोक और देवताओं को संकट से बचाने का एकमात्र उपाय है क्षमा याचना। क्या, कैसी क्षमा याचना? कौन किससे करेगा क्षमा याचना? आप करेंगे ऋषि त्वष्टा से। उनसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगकर उनके भीतर धधकती प्रतिशोध की अग्नि को शांत करें। कदापि नहीं। इंद्र क्षमा मांगे उस त्वष्टा से? स्वर्गाधिपति इंद्र एक साधारण साधु से क्षमा मांगे? ये तो त्रिकाल में भी संभव नहीं है देवगुरु। उस इंद्र द्वेषी त्वष्टा से क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसका विवेक लुप्त हो गया हो उसे सावधान करना व्यर्थ है। ओम नमः शिवाय। देवी शची, देखा तुमने देवगुरु को? अब वे हमारे शुभचिंतक नहीं रहे, अब वे त्वष्टा के प्रशंसक हो गए। अब देवगुरु से किसी भी प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। आप भी चिल्लाते हुए यहां चले आए, स्वयं कोई उपाय नहीं कर सके।
उस दुष्ट वृत्रासुर की तपस्या को भंग करने के लिए आप अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। जाओ जाओ और उसे अपनी दिव्य शक्तियों के प्रहार से नष्ट कर दो। ध्यान रहे आज से हमारा एकमात्र उद्देश्य है दुष्टता की हर सिद्धि को नष्ट करना। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे ज्वालामय बाण ही देवताओं को भगा सकते हैं, तो इसे वरदान की क्या आवश्यकता है? देवी सरस्वती, जिस नारद के लिए तुम इतना चिंतित हो वो शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। पर नारद इतने समय तक थे कहाँ? ये प्रश्न तुम नारद से ही पूछना। ब्रह्मदेव, आपसे प्राप्त दिव्य ज्ञान का प्रयोग कर मैं ये सत्य तो जान ही चुकी हूँ कि नारद आपकी रची हुई किस खेल में उलझे रहे, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। नारायण नारायण। आओ नारद आओ, तुम इस समय वृत्रासुर की कठोर तपस्या और उसका परिणाम देखकर आ रहे हो, साथ ही ये सोचने में लगे हो कि उसको हमारे वरदान की क्या आवश्यकता है। परंतु हम उसे वरदान अवश्य देंगे, क्योंकि हमारी आराधना करने वाला हमारे वरदान का अधिकारी अवश्य होता है। ये सत्य तो मैं भी जानता हूँ परमपिता, कि वृत्रासुर को आपसे वरदान अवश्य प्राप्त होगा और वो इंद्र से त्वष्टा ऋषि के अपमान का प्रतिशोध भी अवश्य लेगा। किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है परमपिता, कि इस विषय में आपने अभी तक मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया, कि इतने समय तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुआ। इसका रहस्य हम जानते हैं नारद। नारद, सत्य तो यही है कि तुम अपनी ही इच्छा के चक्र में फंसे और कुछ समय पश्चात शिव कृपा से मुक्त हो गए। अब भविष्य में ऐसी भूल कदापि न करना। माता, अब मैं ऐसी भूल कर भी नहीं करूँगा। मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया है। अब मैं आज्ञा चाहूँगा। मैं भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ। नारायण नारायण।